गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक एम्फाइमा, एम्फाइमा और एम्फाइसीमा अलग अलग डिजीज होती है। ये जो डिजीज होती है एम्फाइमा, ये कलेक्शन होता है थिक पस का पिलोरी कैविटी में, जिसको एम्फाइमा कहते हैं। और ये इसको पायोथोरिक्स भी कहा जाता है। ये डेवलप होती है डायरेक्ट फ्रॉम लंग्स में, प्रॉब जो नाइबरिंग स्ट्रक्चर होती है और ब्लड के द्वारा। एम्फाइमा एन एक्यूमुलेशन ऑफ थिक टोलरेंट फ्लूड विद द प्लूरल स्पेसेस, ऑफन विद फाइब्रिल डेवलपमेंट, कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर। मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें, जो बैक्टीरियल कॉज है जैसे कि स्ट्रेफेवालकोकस है, अदर रेस्पॉन्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे न्यूमोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, इसमें निमोनिया, लंग एब्सेस, पुलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जैसे ये वायरस कंडीशन डेवलप होती है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया ऑफ लंग एब्सेस, पेनिट्रेसिंग चेस्ट ट्रोमा, हीमो हेमेटोजेनियस इन्फेक्शन ऑफ द प्लूरल स्पेस, लेट्रोजेनिक कॉज आफ्टर थोरेसिक सर्जरी ऑफ थोरेस सिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म स्ट्रेफाकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनियस। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइमा, प्रेजेंस ऑफ पैरानिमोनिक इन्फ्यूजन दैट रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स देन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज देन अल्ट्रेक्स WBC वाइट ब्लड सेल्स टू बी साइट एस्पेक्ट टू एल्बुमिन एंड अदर प्रोटीन फ्रॉम द कैपिलरीज देन इंक्रीज प्लूरल फ्लूड। प्रेजेंस ऑफ फ्लूड प्रोटीन दिस प्लूरल फ्लूड स्टेज फर्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन वर्सन्स अट्रैक्ट्स मोर WBC टू द साइट एक्सटेंशन प्लूरेंट एक्सूट प्रोडक्शन इनिशन ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टेज सेकेंड में होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एडरियंस ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स बनती है दैन फॉर्मेशन ऑफ पील। अब स्टेजेज ऑफ एम्फाइमा, पहली स्टेज जैसे कि एक्सक्यूटिव स्टेज है 1 to 3 days होती है, जैसे फाइब्रोना पुलेंट स्टेज होती है 4 to 14 days, ऑर्गेनिज्म स्टेज जैसे आफ्टर 14 days, एक्सक्यूटिव स्टेज यानी 1 to 3 days। इमीडिएट रिस्पॉन्स विद आउटपोरिंग ऑफ फ्लूड, लो सेलुलर कंटेंट, इट इज सिंपल पैरानिमोनिक इन्फ्यूजन विद नॉर्मल पीएच एंड ग्लूकोज लेवल। फाइब्रोपुलेंट में क्या होता है, ये जो स्टेज होती है 4 to 14 days, लार्ज नंबर ऑफ पोली मोर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड फाइब्रिन एक्यूमुलेट्स होते हैं इसमें। एक्यूमिनेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, फाइब्रिन इमल्शन बिकम्स प्रोलेंट एंड विस्कोस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एम्फाइमा। जो थर्ड स्टेज होती है यानी ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ एक्सट्रूड ऑफ बोथ विसरल एंड पेरिटल प्लूरल स्पेसेस, डेवलपमेंट एंड इनियास्टिक मेम्ब्रेन द पील। नेक्स्ट होता है मोस्ट कॉमन ऑफ एस्योरियस इन्फेक्शंस, जो कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एस्योरियस। थिक एंड प्लूरेंट पील कैन बी रिसेप्टेड लंग मूवमेंट एंड कॉमनली टर्म ट्रैप्ड लंग, यानी जो थिक एंड प्लूरेंट होती है पस होती है, वह लंग को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, मूवमेंट को कम करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं मूवमेंट को और टर्म करती है ट्रैप्ड लंग। अब डायग्नोसिस ऑफ द एम्फाइमा, पहला है इसमें लैब इन्वेस्टिगेशन, इसमें CBC काउंट, ब्लड कल्चर, सीरम LDH, टोटल प्रोटीन, बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियल एंड फंगल कल्चर्स, एक्सरे। लार्ज फ्लूड इन्फ्यूजन कैन बी डायग्नोस द पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू, लेटरल डेकोबिटस व्यू विद इफेक्टेड साइट ऑफ इंटीरियर फैसिलिटीज, कॉर्निया विद स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, सोनोग्राफी एंड सिटी स्कैन, चेस्ट सिटी स्कैन डिटेक्ट प्लूरल फ्लूड एंड इमेज द एयरवे, गाइड इंटरवेंशन प्रोसीजर, देन सिटी स्कैन डायग्नोस द प्लूरल इन्फ्यूजन, क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द एम्फाइमा लाइक बैक्टीरियल निमोनिया, एक्यूट फाइब्रिल रेस्पॉन्स, प्लूरल चेस्ट पेन, कफ, डिस्निया एंड पॉसिबली साइनोसिस, एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होती है, स्प्लिटिंग द इफेक्टेड साइड। ट्रीटमेंट क्या लेते हैं, कंट्रोल द इन्फेक्शन, सबसे पहले ड्रेनेज करते हैं ताकि फ्लूड फ्लूड जो इकट्ठा हुआ है या पस हुई है उसको हम ड्रेनेज के द्वारा बाहर निकाल सकें। एप्रोसेड एटोमेटिक जो कि 10 to 14 days IV करती हैं, जैसे कि एमोक्सिलिन है, एंटीबायोटिक है, सेप्टोजोन है, वह डिपेंड करती है कल्चर रिपोर्ट के अनुसार उसे एंटीबायोटिक को प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी है, ओरल एंटीबायोटिक जैसे कि 1 to 3 weeks आफ्टर डिस्चार्ज द कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक जैसे कि सेपोरोक्सिम है 150 mg/kg पर डे के 3 doses दी जाती है, क्लिडामाइसिन दी जाती है और 25 to 40 mg/kg 3 doses, थोरेसिंथेसिस
nursing diagnosis of the impaired gas exchange, right comprising lungs, acute pain, right infection to the pleural, risk activity, intolerance, right hypoxia secondary to emphysema. Then complete this topic of emphysema. Thank you everyone. Students, second topic is pneumothorax. Pneumothorax क्या होता है? एक collection होता है air का और gas का in pleural spaces में, जिसके कारण से ये developed होता है due to rupture of subpleural और mediastinal nodes through the parietal pleura के कारण. Pneumothorax ये usually जो होता है fluid hydro जिसको बोलते हैं हाइड्रो न्यूमोथेरिक्स. दूसरा ये प्रकार होता है ब्लड को बोलते हैं हम हीमोन्यूमोथेरिक्स. एंड पुरुलेंट जो मेटल होता है यानी कोई डिस्चार्ज वगैरह होते हैं उसको कहते हैं पायोन्यूमोथेरिक्स. अब लेते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमोथेरिक्स. प्रेसेंस द एयर द प्लूरल कैविटी विद सेकेंडरी कोलैप्स ऑफ सराउंडिंग लंग अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ आइदर विसरल ए पेरिटल प्लूरल आर ग्रोथ. This term was used in first doctoral thesis, French physician Itard in 1823. 5th century BC Greek physician yani Paracelsus Hippocratic succession to that chest pneumothorax. Over distance the normal lungs result of the rupture of the subpleural alveoli. Air dissect bronchial ventricular sheath medially. Pneumomediastin, subcutaneous emphysema, PTX, peripheral distinction of the air, air containing space with one R below to visceral pleura. Bullend, a party thickened fibrotic pleura, a party by fibrous tissue with lung. Bulbs situated with the pleura. Peripheral bulbs, a bulbs, and distance the rupture into pleural space, pneumothorax. Purpose mechanism of alveolar rupture in spontaneous pneumothorax, normal structure. ब्रोंकियो वैस्कुलर सीथ जो होती है आगे की तरफ बीच में है एंट्रियोल वेल्यूल एल्वियोलस ब्रोंकियोल. न्यूमोथोरेक्स फिजियोलॉजी मैन फिजियोलॉजी इफेक्ट डिक्रीज पार्टिकल कैपेसिटी ऑफ लंग डिक्रीज PaO2 डिक्रीज TLC PRC डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स डिक्रीज इन PaO2 इम्पेयरिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस इन डिक्रीज कार्डिक आउटपुट ऑल दिस मोर टेंशन PTX. Pneumothorax conditions then collapse of lungs. Pneumothorax and classifications. Pneumothorax spontaneous and traumatic दो प्रकार के होते हैं. पहला है spontaneous में दो primary and secondary. Primary secondary traumatic में iatrogenic and non-iatrogenic. Pneumothorax spontaneous traumatic primary secondary and iatrogenic में दो प्रकार के एक्सीडेंटल एंड आर्टिफिशियल. अब से लेते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स. प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स PTX विदाउट प्रीसेडिंग ट्रॉमा एंड विदाउट अंडरलाइंग क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ लंग डिजीज. एज 18 to 14 इंसिडेंस 7.4 mL/1 फीमेल. टोल दिस पेशेंट एपिकल ब्लड रैप्चर्स 80 to 90% एसेस टू स्मोकिंग एंड टू Hold six. Change the ATM process from a loud noise, sharp inhalable border of first and second rib. Primary spontaneous pneumothorax, familial isolates 10%. Mutations in gene according to follicle, Berthog, Dub syndrome, benign skin growth, pulmonary cyst, and renal cancer. Specific HLA, A2, B4, and trypsin phenotypes M1, M2. Increased levels of hydroline. Secondary spontaneous pneumothorax. Secondary spontaneous pneumothorax occurs in underlying pulmonary structures. Pathology: air enter the pleural space via distension damage or compromised alveoli. Presence of serious clinical symptom. Secondary spontaneous pneumothorax COPD, emphysema, asthma conditions, cystic fibrosis, ALD, bronchiogenic and metastatic carcinoma भी हो सकता है. Collisions vascular distinct include Marfan syndrome. निमोनिया फंगल या HIV क्रिसिंग कैटामेनियन न्यूमोथोरिक्स. आइट्रोजेनिक मेडिकल प्रोसीजर रिजल्टिंग इन ट्रोमेटिक PTX. आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरिक्स कोज ट्रांसथोरसिक मिडल एस्पिरेशन प्रोसीजर थोरेकोकोटिसिस CV कैथेटर इंसर्शन सब सुप्राक्लेविकल IGV मैकेनिकल वेंटिलेशन पिक एयरवे प्रेशर पिलुलर डायफ्रेंजिकल लंग बायोप्सी टेक्योस्कोमी CPR
आर्टिफिशियल आइट्रोजेनिक जैसे डेलीबरेट इन टू द इंट्रापुलर कैविटी बाई नीडल डिवाइस बाय फोरनानी एंड सेंट मैक्सवेल बॉक्स यूज टू ट्रीट पम्प टीबी बिफोर ATT ट्रोमेटिक न्यूमोथेरेक्स। स्टेप टू ग्रंट सोर्ट पाउंड ब्लंट सोर्ड इन चेस्ट RTA एक्सप्लोशन टेंशन न्यूमोथेरेक्स। टेंशन न्यूमोथेरेक्स इज प्रेजेंट व्हेन इंट्रापुलर प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक थ्रू द एक्सपायरेशन ऑप्टन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। वन वे वैल्यू मैकेनिज्म ब्लॉक TPTX कैन अकर आफ्टर एनी टाइप ऑफ PTX MC आफ्टर ट्रोमेटिक PTX विद मैकेनिकल वेंटिलेशन ड्यूरिंग CPR। टेंशन न्यूमोथेरेक्स व्हेन द प्लूरल प्रेशर इज पॉजिटिव थ्रू आउट रेस्पिरेटरी साइकिल। वॉल्व मैकेनिज्म इंजरी बाय प्लूरा क्रिएट्स टिश्यू फ्लैप दैट ओपन द रेस्पिरेशन एंड क्लोजेज ऑन एक्सपायरेशन। टेंशन साइन एंड सिम्टम ऑफ टेंशन न्यूमोथेरेक्स सीवियर डिस्निया टैकीकार्डिया परफ्यूज ऑफ डायफ्रोसिस साइनोसिस हाइपोटेंशन एक्सिबिट डिस्टेंशन नेक वेन्स ट्रेकियल डाइवर्शन सबक्यूटेनियस एम्फिमा अनिलेटरल चेस्ट हाइपरइन्फिल्ट्रेशन विद इन IC स्पेसेस AVC सीवियर हाइपोक्सिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस चेस्ट एक्सरे मीडिएशन में शिफ्ट टू ऑफ टेंशन न्यूमोथेरेक्स हाई फॉलो टू क्लिनिकल कंप्रेशन ऑफ PTH लिटल एक्सप्रेशन सेकेंड IC इमीडिएट टू क्रिटिकल। सिम्टम ऑफ न्यूमोथेरेक्स फर्स्ट शार्प स्टेपिंग अनिलेटरल चेस्ट पेन एक्सपीरियंस बाय डीप इंस्पिरेशन पोस्टर डेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ माइल्ड टू PS PTX सीवियरिटी ऑन साइज SH PTX डिस्निया नॉट ऑन साइज देन कफ ड्राई इरिटेड टू डेड डायफ्राम जनरलाइज मेलेज। अब साइन कौन कौन से होते हैं परक्यूशन हाइपर रेस्पॉन्स ऑन इफेक्टेड साइड एस्कल्टेशन डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड डिक्रीज वोकल रेस्पॉन्स कोइन साउंड स्ट्रेस साइन PTX मैक वेंटिलेटिंग PT सडन ऑनसेट टेकी हाइपोटेंशन इंक्रीज द पीक एयर वे प्रेशर सडन डिक्लाइन टू चेस्ट डिस्ट्रेस द एपियर फाइट टू DA वेंटिलेटर इफ पेशेंट ऑन प्रेशर कंट्रोल मोड पैरालिसिस ABG सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एज पेशेंट कैन इंक्रीज हिज रेट टाइटल ACG टेंशन PTX ST स्टेज वेरिएशन ऑफ सेकेंड थर्ड AVG V4 6 एंड नेगल कार्डिक एंजाइम्स रिवर्सल आफ्टर चेस्ट ट्यूब रेडियो साइंस एक्सरे ऑल लीनियर शेडो विजुअल प्लूरल लैक द लंग मार्किंग पेरिफेरल टू शेडो शार्पली डिफाइंड लंग एड कन्वेक्स कॉनवर्ड सुपाइन चेस्ट एक्सरे डीप इसलक्स वेरी डार्क एंड डीप पोस्टोफेनिक एंगल न्यूमोथेरेक्स एक्सरे रेडियोलॉजी साइंस CT स्कैन इन PSTX PET स्कैन डिटेक्ट्स मल्टीपल ब्लब्स इन ब्लू मोर सेंसिटिव हिमोथेरिक्स पल्प कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन लार्ज बुला एंड PTX एंड अंडरलाइन एम्फाइसीमा एंड एम्फाइसीमा लाइक चेंजेस कैलकुलेट एक्सरसाइज PTX ESP स्मॉल PTX कैन डिटेक्ट एडल्ट हिमोथेरिक्स एक्सरे टू CT स्कैन्स हिमोथेरिक्स साइड्स हिमोथेरिक्स लेटरल साइड्स ऑकल PTX ए PTX डिपेंड ऑन CT स्कैन वेट डज नॉट बी सीन प्रोसेसिंग डिंग स्पाइन चेस्ट एक्सरे APV। अब साइन जो है वो सोनोग्राफी में कैसे होते हैं यूज इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ द डिटेक्ट PTX यूज ऑफ अनस्टेबल पेशेंट्स हु कैन टू शिफ्ट आउटसाइड टू एक्सरे इन CT स्कैन एक्यूट केयर सेटिंग एज ए रीडली अवेलेबल बेड साइड टूल स्पेशली इन ICU एमरजेंसी डिपार्टमेंट। डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ ACS ARDS अस्थमा COPD एम्फिसेमा क्रोनिक हार्ट फेलियर पल्मर एडिमा इसोफेगियल परफोरेशन टीयर रैप्चर फॉरेन बॉडीज ट्रेकिया मीडियास्टेनिस मायोकार्डिस MI एंड मायोकार्डियाटिस। डिफरेंट डायग्नोसिस प्लूनिफिजन निमोनिया एस्पिरेंट बैक्टीरियल वायरल न्यूमोक्लोनी एम्बोलिज्म। क्वालिफिकेशन लाइट मेथड न्यूमोथेरेक्स बराबर डायमीटर लंग 3 डायमीटर न्यूमोथेरेक्स साइज टू PT रेशियो लंग डायमीटर कब द हैवी थोरेक्स डायमीटर क्यूब देन इज क्लियर। जो डायमीटर है वो अपने सूत्र के द्वारा एसेस किया रियल मेथड रिए मेथड इट इज यूज ऑन नेमो द रिलेट टू एवरेज ऑफ
intrapulmonary distance of pneumothorax size on the pneumograph there 10% pneumothorax is every centimeter of intrapulmonary distance. BTS guidelines: distance between pleura and chest walls then 1 cm small, 1 to 2 cm moderate, greater than 2 large. ACCP: measuring distance from the D-apex of lung, the top margin of DA, visceral pleural thoracic capsula, on X-ray small PTX less than 3 cm, large PTX greater than 3 cm. Treatment of pneumothorax: management of pneumothorax. Treatment: aim of treatment of primary PTX to rid the pleural space of air, achieve closure of D leak, either prevent or reduce of risk, to decrease the likelihood of the recurrence. Observation: supplemental oxygen, simple aspiration, tubo trepo with Kautz Schilling dents, medical bronchoscopy and inspiration talk, video assessment, thoracoscopy, spelling bulbs, intestinal theoscoling agents, pleural depression, open thoracotomy. Treatment: the choice of therapy depend on clinical state of PA, cause of PA pneumothorax, evidence of concomitant lungs, period history of pneumothorax at risk of recurrence, availability of specific thoracic options, experience and preference technique of DA physician. Observations: rate to spontaneous reperfusion slow, Kircher and Swartzen 1.25% of volume absorbed every 24 hour, PTX 50% hemithorax, take 12 days. Recommended only the patient PTX less than 40% asymptomatic unilateral. O2 supplement admitted to O2 assimilated direct pleuric air absorption. Notified rate to absorption increased 4 times O2 high concentration recommended for hospital patients. Rate to gas reabsorption depend on place guidance to day gases between pleural space of venous blood, diffuse properties, the D gases, area of contact between pleural gas, pleural permeability of pleural space, thickening fibrotic will pleural will absorb decrease normal pleura. Simple aspirations जो conditions होती है pneumothorax में, यानी जो inexperienced patient of PTX decrease 50% 26 gauge needle लिए थे. Fifth then ICMA line use a three way use किया साथ में. इस procedure done भी emergency tension PTX relieve pressure emergency discomfort, यानी जो fluid इकट्ठा हो रखा उसको aspirate किया एक 26 gauge needle के द्वारा three way canula के द्वारा. This procedure of can be done. This diagram. Simple aspirations: when the aspirate the patient suddenly cough, lung likely accident, remove the catheter, message insertion site, style goes the channel into the pleural space, Devens and to maintain simple aspirations, ISD shortness, hospitalization, normal recurrent rate of aspirant. Then complications: tension, pneumothorax, bronchopleural fistula, re-expansions, pulp, edema, hemothorax and pyothorax. This condition again not a treat, then complication will occur pneumothorax. To convert to tension pneumothorax, bronchopleural fistula, re-expansion, pulp, edema, hemothorax and pyothorax. Thank you everyone, this topic is complete.